I'm sorry, Alia, कि मैं मारुफ को तुम्हारे बगैर वो जगह दिखाने के लिए गया। मैंने तुम्हें कॉल भी की थी लेकिन शायद तुम बिजी थी। क्या वो याददाश्त वापस आ गई उसकी? सब याद आ गया उसको कि वो कौन है? नहीं, उसे याद तो कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ ना कि अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ वाकई हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना हो। कितना इंतजार करेंगे अब हम? सारी जिंदगी तो इंतजार नहीं कर सकते ना। तुम क्या कहना चाह रही हो आलिया? देखो इब्राहिम, मैंने मारुख के हवाले से एक फैसला किया और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे इस फैसले को तस्लीम करोगे। कैसा फैसला? मैं मारुख को दारुल अमान वापस भेज रही हूँ। आलिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम भी अच्छी तरह जानती हो क्यों नहीं कर सकते। अब चाहे उसके साथ वहां पर जो कुछ भी हो, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन क्यों? इस घर में उसकी मौजूदगी से किसी को कोई परेशानी है? वो किसी पर बोझ बन गई है? उसका यहाँ रहना अब मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। आलिया, तुम खुलकर बताओ, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं साफ और दो टोक अल्फाज में बात कर रही हूँ इब्राहिम। उसको यहाँ से जाना ही होगा। उसके पेपर्स बनवा लिए मैंने। मैं उसके साथ ये ज्यादती हरगिज नहीं कर सकता। अच्छा, ज्यादती उसके साथ? आलिया, वो हमारी जिम्मेदारी है। We're taking care of her. इब्राहिम, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम उसके जिम्मेदार नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के जिम्मेदार हो, समझे तुम? तुम दो मुख्तलिफ बातें कर रही हो। इस बात का उससे क्या ताल्लुक है यार? ताल्लुक है, है तो ताल्लुक। अगर वो यहाँ रही ना तो समझ जाना कि तुम्हारा और मेरा ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म। आलिया, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा ये शक हमारे रिलेशनशिप में जहर घोल देगा, याद रखना। तुम अगर तुम चाहते हो कि मेरा शक शक ना रहे ना, तो कल उसको वापस दारुल अमान छोड़कर आ जाओ। उसके पेपर्स तैयार है, वहां पर टेबल पर रखें। या फिर तुम एतराफ कर लो कि मेरा शक दुरुस्त है। आलिया, मेरी बात तो सुनो यार, तुम गलत बात कर रही हो। क्या हुआ बेटा? मेरा शक यकीन में बदल गया अम्मी। मतलब इब्राहिम उल्टा मुझ पे नाराज हो रहा है कि मैं उस पे शक क्यों कर रही हूँ? दारुल अमान छोड़ने नहीं जा रहा है वो? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम चली जाओ। मारो को हमने अभी घर से नहीं निकाला था, शायद कभी भी ना निकाल पाए। बेटा, तुम जो भी फैसला करो मैं तुम्हारे साथ। आनी, क्या वो डॉग बहुत बड़ा था? बहुत बड़ा और बहुत भयानक। लेकिन तुम्हारे अब्बू ने उसके मालिक को बहुत सुनाया। इसने आप पे अटैक तो नहीं किया ना? अगर वो बंदा ना होता तो कर देता, लेकिन उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में थी। आनी, अगर मैं आपके साथ होता ना, मुझे खींच के पत्थर मारता, वो भाग जाता। अगर तुम आनी के साथ होते ना तो तुम तो खुद डर जाते। नहीं जी, अब मैं ब्रेव हो चुका हूँ। आयान, आजो, हम लोग नीचे जरा दादी के पास जाओ। बट हम तो आनी से बातें कर रहे हैं, हम दादो के पास क्यों जाएं? बहुत ज्यादा जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? जाओ नीचे, मैंने मारुख से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मामा। अपना सामान बांधो, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। कहाँ? दारुल अमान। और अगर दूसरी बार वहां से भागने की कोशिश करो तो यहां मत आना, कहीं और चली जाना।
इसकी वजह पूछ सकती हूँ? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाना। इस टाइम कहाँ जा रही हो? मैं अभी इसी वक्त मारुख को दारुल अमान छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा, रात के इस टाइम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अभी तो उनका वहाँ पे स्टाफ भी मौजूद नहीं होगा, और तुम भूल रही हो कि पुलिस ने उसे हमारे हवाले किया है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं पेपर्स बनवा चुकी हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आलिया जी बिल्कुल ठीक कह रही है इब्राहिम साहब, और वैसे भी एक ना एक दिन तो मैंने यहाँ से जाना ही है। सच पूछे तो अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन हाँ, जाने से पहले इतफाक अम्मी और बच्चों से जरूर मिलना चाहती हूँ। अम्मी तुम्हें रुखसत करने की इजाजत मुझे दे चुकी है, और बच्चों से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगी। बस अब तुम चलो मेरे साथ। आलिया देखो, इस वक्त वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर होगा कि तुम सुबह तक वेट कर लो। मैं वैसे भी दारुल अमान नहीं जाना चाहती, अगर मुझे वहाँ रहना होता तो मैं पहले वहाँ से क्यों भागती। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी, आज रात को ही आप लोगों की जिंदगियों से चली जाऊंगी। मारुख रुक जाओ, देखो मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के दरमियान अचानक क्या हो गया, लेकिन मैं किसी को इतनी रात गए अपने घर से जाने नहीं दूंगा। इब्राहिम साहब, मैं अच्छी खासी समझदार हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, अब बेफिक्र हो जाए। और वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही है ना, तो फिर आज से क्यों ना सही। मुझे पूरा यकीन है कि इस घर से बाहर की दुनिया में भी आप लोगों जैसे अच्छे लोग जरूर होंगे जो मुझे सहारा देंगे।